और वीडियो। मेरा नाम है शिवम और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चिमकांडी गेमर। सो गाइस कैसे हो आप लोग, आई होप ठीक होगे। सो गाइस आज मैं करने वाला हूं एक और बार अपने एक सब्सक्राइबर के साथ एक कस्टम मैच। और गाइस आज हमारे अपोनेंट है डार्क डॉन। सो गाइस आपको तो यार याद ही होगा डार्क डॉन कौन है, जिसने गाइस हमें इससे पहले कस्टम मैच में बहुत अच्छी टक्कर दी थी। गाइस वो 6 बार जीता था, हम भी 6 बार जीते थे, लेकिन उसके बाद अपन लोगों ने मार दिया मौके पे चौका, अपन लोगों का हो गया भूया। सो गाइस उसी के साथ अब यार उसी बंदे के साथ अपन लोग करने वाले हैं कौन हमारे कस्टम मैच। तो गाइस ये वीडियो भी हमारे बाकी वीडियो की तरह बहुत ओपी होने वाली है, तो यार इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलो यार बिना टाइम वेस्ट करते इस वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस यहां पे देखो हम आ चुके हैं यार अपने कस्टम के मैच में। और गाइस यार पहले राउंड में मैं यहां पे एक MP5 उठा लेता ठीक है, क्योंकि यार देखो अगर मैं डेजर्ट ईगल लेता हूं तो यार वो बंदा मेरे को यार बहुत आराम से मार देगा, क्योंकि यार वो बहुत अच्छा खेलता है गाइस यार, बहुत ओपी ओपी से हेडशॉट लगाता है। आपको तो याद ही होगा यार पिछले वाले गेम प्ले में 6 बार वो जीता था, 6 बार हम जीते थे। उसके बाद यार मैं जीत पाया था, मतलब उसके बाद यार मैं गंदे तरीके से मतलब मैं बचा था, उसके बाद मैं आखिरी बार जीत गया और उसके बाद हमारा हो चुका था भूया ठीक है। सो यहां पे देखो यार हमारा पहला राउंड स्टार्ट हो चुका है। और गाइस यार यहां पे देखो मैं सीधे सीधा आ चुका हूं यार सामने की ओर, लेकिन यार यहां पे मुझे वो बंदा नहीं दिख रहा। मेरे को लगा था यार वो भी सीधा सीधा रश करेगा, इसलिए यार मैंने भी सीधा सीधा ही रश करने का सोचा, लेकिन यार यहां पे तो वो दिख नहीं रहा, तो यार मेरे भी यहां पे रुकने से कोई फायदा नहीं होगा, हो सकता है वो पीछे से आगे मेरे को धप्पा कर दे। सो इससे आज के अपन लोग यार यहां पे छुप जाते हैं, यार यहां पर छुपने से कोई फायदा नहीं होगा, तो यार मैं चलता हूं ऊपर की साइड। तो चलो गाइस यार ऊपर की साइड जाता, लेकिन पहले यार मैं देख रहा था बाहर की साइड आखिरकार ये बंदा है तो नहीं है। सो गाइस यार पता नहीं, आई थिंक यार बंदा कैंपिंग कर रहा है। सो गाइस यार अब मेरे को समझ में आया यार कि कैंपिंग करने से कितना दुख होता है यार, जब मैं कैंपिंग करता था अपने सब्सक्राइबर के साथ यार, तो मुझे महसूस हो रहा है यार कैसा कर बंदा यार कैंपिंग कर रहा है। मेरे को यार बहुत गंदा वाला डर लग रहा है कि बंदा कहाँ से निकल के मेरे को मार सकते हैं, मेरे को मतलब अब हर तरफ गाइस नजर रखनी पड़ेगी कि कहाँ से ये बंदा जो है वो मुझे बाहर निकले और गाइस यहाँ पे मेरे को ये फोड़ दे ठीक है। सो मैं थोड़ा यहाँ पे रुक जाता हूँ, हो सकता है बंदा आए जाए यार, एक बार तो यार बस एक बार बस एक बार दिख जाए बंदा, उसके बाद इसे इतना गंदा वाला फोड़ूंगा ना गाइस देख लेना, बस एक बार दिख जाए बंदा कहाँ है यार। सो गाइस बहुत ज्यादा टाइम हो गया यार यहाँ पे, लेकिन अरे बंदा यार बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा यार, इतनी देर होगी यार यहाँ पे, मैं देखो इतनी देर से खड़ा हूँ, लेकिन ये पता नहीं आखिरकार है तो ऐसा यार जोन जो है वो भी छोटा हो चुका, तो यार मेरे यहाँ पे रहने से कोई फायदा नहीं होगा। तो चलो यार अभी मैं यहाँ पे नीचे कूद जाता हूँ। सो ही रहा गाइस, सो गाइस यहाँ पे देखो मेरे को मिल चुका बंदा, तो आई थिंक इसने भी मेरे को देख लिया। तो चलो गाइस अभी इस मैच को खत्म करते हैं, यहाँ पे आ चुका है और एक मजे का। और गाइस यहां पे देखो C4 जो 2% एचपी, और यहां पे अपन लोग रहे बहुत ओपी तरीके से पहला राउंड जीते गाइस। मेरे को लगा था इस बंदे ने डेजर्ट ईगल लिया, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, इसने MP5 ले रखा था यार बहुत गंदी तरीके से, बता यार सिर्फ और सिर्फ 2% एचपी। सो गाइस आई थिंक ये बंदा जंप कर गया, दैट्स व्हाई यार इसका जो है मतलब गोली जो है अगर मुझे टांगों में लग गई, लेकिन मैंने सीधा से सीधा इसके छाती पे मारा, इसी वजह से यार मैं जीत गया। मेरे C4 सिर्फ 2% एचपी थी भाई साहब, यार भगवान ने कितनी गंदी तरह यार मैं बचा यार, मतलब यार आपको बता नहीं सकते यार इतनी गंदी तरीके से यहाँ पे मैं बचा। और यहाँ पे देखो हमारा दूसरा राउंड भी स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे दूसरे राउंड में मैंने डेजर्ट ईगल ले लिया है और एक ग्लू वॉल भी ले लिया, पिछले राउंड में नहीं ले पाए थे मैं ग्लू वॉल। सो यार यहाँ पे देखो मैं सीधे सीधा सीधा जो है वो रश करने जा रहा हूँ, तो यार यहाँ पे देखो मैं सीधा सीधा आ चुका हूँ यार रश करने। सो आई थिंक इस बार ये बंदा यार पहले यार इतना कैंपिंग यार शिट गाइस, यहाँ पे देखो दूसरे राउंड में भी ये बंदा जो है वो कैंपिंग कर रहा है। सो ये भाई अब मेरे को यार महसूस हो रहा है सही में कह रहा हूँ यार कि मैं जब सब्सक्राइबर अपने सब्सक्राइबर के साथ कैंपिंग करके जीता था, तो यार उनको कैसा लगता होगा कि ये बंदा कैंपिंग कर करके जीता यार, मेरे को महसूस हो रहा है, जबकि यार मैं यहाँ पे सीधा सीधा रश कर रहा हूँ और ये बंदा यार कैंपिंग किए जा रहा है यार, इतनी कैंपिंग भाई साहब मैंने भी नहीं किया यार। यहाँ पे देखो यार अभी तक ये बंदा यार मेरे को नहीं मिला यार, मतलब कि कहाँ छुपा हुआ यार, ये बंदा कहाँ छुपा हुआ, मेरे को समझ नहीं आ रहा ये बंदा कहाँ छुपा हुआ है। तो यार मेरे हिसाब से यहाँ पर तो है नहीं, तो यार आई थिंक बाहर की साइड अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे हो सकता है यहाँ पे। तो यार यहाँ पे देखो जैसे कि मैंने सोचा था यहाँ पर ये बंदा है, तो चलो गाइस अभी इस बंदे को खत्म करते हैं। यहाँ पे मैंने अपने ग्लू वॉल से कवर किया, यहाँ पे ये बंदा छुप के बैठा हुआ गाइस, ये क्या कहते हैं लकड़ी के डब्बे के पीछे यहाँ पे ये बंदा छुप के बैठा हुआ है। तो गाइस मैं बस एक जगह चाहता हूँ यार जहाँ पे मेरा बंदा दिख जाएगा गाइस हल्का सा भी, वहाँ पे यार मैं उसको इतना गंदा वाला हेडशॉट मार के मैं हराऊंगा, जस्ट देखना गाइस ठीक है। बस एक मौका चाहिए यार कब ये बाहर निकले, उसके बाद मैं इतना गंदा वाला मारूंगा, बस देखते जाओ यार बस बाहर निकल जा। यहाँ पे मैंने अपने ऊपर से ग्लू वॉल से अपने आप को कवर किया यार, क्योंकि अगर मैं ऐसे खुले में रहा तो गदरी बंदा मेरे को खत्म कर देगा ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एक ग्लू वॉल लगा, सो आई थिंक यार अब ये बंदा बाहर निकल गया निकल गया। सो गदरी यहाँ पे जैसे मैंने सोचा था ये बंदा निकला, तो चलो यार यहाँ पे हील कर लेते क्योंकि इसने मैंने बहुत मदद दे दी और ये आ गया। ओ शिट गाइस यार यहाँ पे ये बंदे कैंपिंग करके जीत गया, शिट गाइस साहब ओ नो
होगा इधर यहाँ पे यार ये बंदा लगातार दो बार इधर इतनी कैंपिंग का इधर मैं भी तो नहीं करते रहे इतनी ज्यादा कैंपिंग बंदा कैंपिंग कर करके यार जीत रहा है यार यहाँ पे यार इस वाले राउंड में जीतने वाला था लेकिन ये बंदा कैंपिंग करने लगा एज इज लाइक कोई बात नहीं हुई यार कैंपिंग करके आप जीत रहे हो यार यार बहुत गलत बात हो रही है यहाँ पे यार बंदा एक बार यार कैंपिंग करके जीत गया मतलब इतनी गलत बात भाई मेरे को यार कसम है बहुत गंदा वाला गुस्सा आ रहा है यार यहाँ पे हमारा तीसरा राउंड भी स्टार्ट हो चुका है लेकिन मेरे को बहुत गंदा वाला गुस्सा आ रहा है यार यहाँ पे मैंने एक MP5 और एक M107 एक ग्लू और ये सभी चीज़ें ले ली और यहाँ पे देखो मैं फिर से सीधा सीधा रश करने जा रहा हूँ यहाँ पे यार बंदा जो है वो सीधा सीधा रश कर रहा है तो ठीक है देखो अब ये बंदा सीधा सीधा रश कर रहा है ये कोई वो बात हुई यार दो राउंड में मतलब अब कैंपिंग कर रही होगी ऐसी बात हो रही है तो यहाँ पे देखो ये बंदा सीधा सीधा रश कर रहा है तो चलो हेडशॉट मारते हैं और यहाँ पे हेडशॉट की कोशिश हो रही है तो यहाँ पे मैंने ग्लोबल से कवर किया और भाई बस एक बार निकल जाए बंदा मैं इसको ठोक दूँगा ठीक है सो निकल 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 एक बार निकलने के दे रहेगा बस एक बार निकल जाए बंदा मैं इसे इतना गंदा वाला फोड़ूंगा ना आप सोच भी नहीं सकते यार यहाँ पे देखो मैंने ग्लोबल लगाया इसको भटकाने के लिए दिमाग तो कहते हमें दिमाग इतना है दिमाग का प्रदर्शन करते हुए अपन लोग सो अभी तक नहीं निकला भे कब निकलेगा ये बंदा मैं निकल जा तो कह ये बंदा निकल ही नहीं रहा यार यहाँ पे देखो मैं खुद ही रश कर रहा हूँ ये बंदा आखिरकार तो कह आखिरकार इसने अपना जगह बदला यहाँ पे देखो घर के पास है तो मैंने इसको देख लिया इसको क्या लग रहा है कि अपन लोगों ने देखा नहीं ऐसा नहीं है अपन लोगों ने इसे देख लिया तो चलो कहते मैं पीछे से जाके इसे मार रहा हूँ ठीक है सो यार यहाँ पे देखो मैं आ चुका हूँ यार यहाँ पे MP5 लेकर तो कह यहाँ पे देखो मैंने अपने ग्लूकोज से कवर किया क्योंकि यहाँ पे अगर मैं अगर एक मौका भी छोड़ता तो ये बंदा कहीं से भी मेरे को बाहर से निकल के मार सकता क्योंकि मेरे को नहीं पता ये बंदा इस घर में ही है या कहीं और जा चुका है सो ये यहाँ पे मैंने ओ यहीं पे है सही पे चलो यार यहाँ पे देखो आखिर ये अच्छा हुआ कि इस बंदे ने मेरे को खुद ब खुद बता दे कि ये बंदा यहीं पे है तो चलो गाइस यहाँ पे देखो यार ये होती है कोई बात यहाँ पे सामने सामने खेलो यार ऐसे कैंपिंग मैंपिंग नहीं यार वो गाइस मेरे को लगा ये उस साइड है लेकिन मतलब तो इस साइड से कहते चार मतलब भगवान की लाग लग चुका है यहाँ पे मैं बच गया तो कहते यहाँ पे देखो जून जा बहुत कितनी बात चुका चलो गाइस मैं रश करता हूँ यहाँ पे घास बन गया तो कहते यहाँ पे देखो ये घास बन गया यार यहाँ पे नहीं नहीं उस शिट से गाइस तो कहते यार मेरे को लगा यहाँ पे यार ये बंदा जो है वो वुकोंग बन गया गाइस मैं यहाँ पे मेरे को ऐसा लगा लेकिन ऐसा नहीं है ये बंदा वुकोंग नहीं बना यार थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है यहाँ पे तो यहाँ पे देखो बहुत वाला डैमेज पड़ चुका है यहाँ पे 30% HP यहाँ पे जून जा बहुत करीब आ चुका है हेल्थ नहीं ले पाया क्या नो यार ये क्या हो गया यार ये सब मेरी गलती है गाइस यार मेरे को लगा यार वो बंदा वुकोंग में बदल चुका है यार लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था यार यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं था शिट यार बहुत गलत बात हो गई यार यहाँ पे देखो बहुत गलत बात हो गया लगातार मैं दो बार हार गया हूँ लेकिन इस वाले राउंड में मुझे जीतना भी है कैसे भी करके तो कहते यहाँ पे हमारा छठा राउंड स्टार्ट होने को आ चुका है यहाँ पे ये बंदा यार लगातार चार बार जीत चुका है लेकिन कोई बात नहीं है यहाँ पे यार हमारी जीत की बात उठ चुकी है यहाँ पे यार लगातार ये बंदा जो है वो चार बार जीत चुका है हर बार ये बंदा जो है यार कैंपिंग करे जा रहा है हर बार ये बंदा जो है यार कैंपिंग करे जा रहा है इसमें हिम्मत नहीं है यार कि सामने सामने की फाइट ले मेरे को कसम से कह रहा यार मेरे को इतना गंदा वाला भी गुस्सा आ रहा है यार मेरा पता चल रहा है कि यार मेरे सब्सक्राइबर का कैसा मूड होता होगा ठीक है फिर यहाँ पे देखो मैंने MP40 उठा लिया यहाँ पे हमारा राउंड जब वो यार बहुत पहले ही स्टार्ट हो चुका मैंने थोड़ा लेट खेल लिया क्योंकि देखो यहाँ पे मैं गन चूज करने में थोड़ा टाइम लगा दे रहा यहाँ पे देखो मैं फिर से सामने सामने की फाइट लेने के जा रहा हूँ यही पे है तो चलो गाइस यहाँ पे देखो यार ये बंदा यार दो बार मतलब ये बंदा दो बार कैंपिंग करता है तो दो बार सामने सामने रश भी करता है ठीक है सो यार यहाँ पे थोड़ी अच्छी बात तो ये बंदा कर ही रहा है यहाँ पे दो बार कैंपिंग की और यहाँ पे दो बार इसने रश मतलब सीधा सामने सामने की फाइट भी ली है तो यार यहाँ पे देखो ये बंदा को मैंने थोड़ा सा डैमेज दिया लेकिन इसने मेरे को थोड़ा सा भी डैमेज नहीं दिया तो यहाँ पे भाई बस एक मौका चाहिए बंदा बाहर निकल यहाँ पे निकल गया नहीं यार छुप गया यार ये बंदा बस एक बार थोड़ी देर के लिए बाहर निकल दिया मैं इसको ऐसा गंदा वाला यार MP5 से हेडशॉट दूंगा ना ड्रैग हेडशॉट ये बंदा यार मतलब तीन सात पुरुषों तक याद रखे पुरुषों क्या होते हैं यहाँ पे देखो यार बंदे ने लड़ाई में दे दिया यहाँ पे मैंने बंदे को तो यहाँ पे पीछे से जाता हूँ रश करने और यहाँ पे इसने अपना ग्लोव निकाला यहाँ पे अरे यार गाइस जैसे ही मैं इस बंदे को मारने जाता हूँ वैसे यहाँ पे अपना ग्लोव से यार कवर कर लेता है मतलब जैसे ही मैं मतलब सोचता हूँ यहाँ पे मैं इसको हेडशॉट मारूंगा ड्रैग हेडशॉट वैसे यार ये बंदा जो है वो अपने आप को यार ग्लोव से कवर कर लेता है और यहाँ पे बंदा बाहर निकल चुका तो चलेगा जिससे MP40 से नहीं गया MP5 से खत्म कर दिया MP40 से यार बाद में मारूंगा ठीक है तो यहाँ पे देखो थोड़ी सी कोशिश है यार मारने की और स्किन का गई तो कहते यहाँ पे देखो यार मेरी MP40 की कार्निवल कार्निवल वाली स्किन गायब होगी छिट गई यहाँ पे मैंने देखा नहीं लेकिन कोई बात नहीं यार इसे बिना स्किन के अपन लोग फोड़ेंगे यहाँ पे मैंने आपको गुआ से कवर किया रश करने की कोशिश यहाँ पे बंदा बाहर निकल चुका है तो कहते यहाँ पे बहुत गंदा डैमेज तो कहते इस बंदे को यार बहुत गंदा डैमेज पड़ा यार यहाँ पे देखो मेरे पास 0-30% HP है तो कहते बस एक बार बंदा बाहर निकल जाए मैं इसको खत्म कर दूंगा यहाँ पे गुआ से कवर किया बंदा को आ गया और ये गया और कहते आखिर
आखिरकार यहाँ पे अपन लोग दो बार जीत गए यार। गाइस बहुत गंदा वाला डैमेज पड़ चुका था यार, बस सिर्फ 40-30% एचपी थी, लेकिन उसको भी मैंने एपी 40 से बहुत ज्यादा गंदा वाला डैमेज दिया था। और आखिरकार यार अपन लोग दो बार जीत ही गए। यस गाइस, यस गाइस, ये बंदा यार सामने सामने की फायर लेना था, मैं इसे आराम से हरा दूंगा, ठीक है, आराम से ऐसे एकदम स्मूथली यार, मक्खन की तरह से इतने गंदे वाला हराऊंगा यार, आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो गाइस यहां पे देखो, मैंने गन में कोई छेड़छाड़ नहीं किया, यहां पे हमारा क्या कहता है सातवां राउंड जब वो भी स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे देखो बंदा फिर से सामने सामने आ चुका है, यहाँ पे मेरे को पता चल चुका है बंदा कहाँ है। तो यार मैं भी यहाँ पे देखो यार रश करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे थोड़ी गोली मारने की कोशिश, यहाँ पे यार अपन फिर से सीधा सीधा जा रहा हूँ। और यार यहाँ पे मैं देखो यार आ चुका हूँ, सो आई थिंक बंदा जो है ना इस साइड से आएगा, तो यार मैं भी इस साइड से ही जाता हूँ 40 लेकर यार। देखो तो यार जैसे कि मैंने सोचा था यह बंदा भी यहीं पे ही आया, यहाँ पे मैंने ग्लू वॉल से कवर किया, आपको ग्लू वॉल से कवर किया, बस एक बार बाहर निकल जाए उसके यार फिर से अपन लोग बहुत गंदे तरीके से मारेंगे, जैसे यार पिछले बार राउंड में निकाले नहीं मार पाए। सो कहते हैं यहाँ पे 18 डैमेज, सो कहते हैं यहाँ पे इसको 18 का डैमेज पड़ चुका, सो आई थिंक बंदा डर चुका है। यहाँ पे देखो पीछे की साइड जा रहा है, तो यहीं से इसे ही कहते हैं खौफ, सो कहते हैं इसे ही कहते हैं गाइस खौफ। सो यार यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं अंदर की साइड आ चुका हूँ, मतलब यार अंदर की साइड ही यहाँ पे देखो यार यहाँ पे है बंदा, सो कहते हैं यहाँ पे 18 का डैमेज पड़ चुका है यार, बहुत गंदा डैमेज। सो कहते हैं यहाँ पे इस बंदे का बहुत गंदा वाला डैमेज पड़ चुका, तो यार मैं अंदर की साइड जा रहा हूँ, यहाँ पे ग्लू वॉल से अपने आपको कवर किया गया, यहाँ पे फिर से मारने की कोशिश है, यहाँ पे यार थोड़ा मजे लेते गए, यहाँ पे इसको मैंने ग्लू वॉल से बाहर निकल गया। सो कहते हैं यहाँ पे मैं सोच रहा यार इस बंदे को बंद कर दूं, यहाँ पे ये बंदा थोड़ा बाहर निकल गया गाइस, यहाँ पे थोड़ी सी जगह छूट गई यार। सो कहते हैं यहाँ पे देखो ये बंदा बाहर जैसे निकला, यहाँ पे मेरे को बहुत गंदा वाला 100 का डैमेज पड़ चुका है, और यहाँ पे ये बंदा भी यार हील ही कर रहा होगा, यहाँ पे ये रश करने आ चुके गाइस, बहुत पास आ चुका गाइस यहाँ पे मेरे। सो गाइस यहाँ पे देखो मैं भी आ चुका हूँ यार ग्लू वॉल से, अपने को कवर कर लेता हूँ गाइस, देखो जोन जो छोटा आने दो, ठीक है, जो जीता वो ही सिकंदर, जो हारा वो बंदर। सो गाइस यहाँ पे देखो जोन जो है गाइस बहुत छोटा हो चुका है, यहाँ पे मैं आ चुका जोन के अंदर, और भाई गाइस मैं जीत जाऊँ, बस थोड़ा सा जिंदगी और गाइस, बस थोड़ी सी जिंदगी और मैं जीत जाऊंगा। और ये ओ नो, अबे यार ये बच्चे से गया, ओ भाई साहब सिर्फ 7% एचपी यार, शिट यार, शिट 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 गाइस यार, बहुत गलत बात गाइस, बहुत गलत बात होगी यार, बहुत गलत बात यार, जून मतलब 7% एचपी से हार गए, 7% एचपी से, भगवान भगवान। तो गाइस यहां पे हमारा 8वां राउंड जो है वो भी स्टार्ट होने को हो आ चुका है, और गाइस यहां पे हमारा 8वां राउंड हो चुका है स्टार्ट, और गाइस यहां पे मैंने वही सारी गने ले रखी है जो गाइस पिछले वाले राउंड में ली थी, ठीक है। यहां पे देखो मैं फिर से, यहां पे देखो मैं सामने आ चुका है रश करने, और यहां पे मैं थोड़ी देर रुका हूं, एक बंदा देखता हूं यार कहां पे ये बंदा, आई थिंक और सामने होगा नहीं गाइस। तो गाइस यहां पे देखो जैसे मैंने सोचा था यार यहां पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ, ये बंदा इधर यहां पे आ चुका है, तो गाइस कैसा अजीब सा इंसान है यार, इतनी ज्यादा कैंपिंग। तो गाइस यहां पे देखो यार ये बंदा आ चुका है सामने की ओर, यहां पे यार मेरी हेल्थ यार 100% जा चुकी है। तो गाइस यहां पे मैं अपने आप को पहले यार सबसे पहले कवर कर लेता हूं, यहां पे मैंने ग्लू वॉल से कवर कर लिया, तो सबसे पहले यार अपन लोग यार यहां पे यार हेल्थ ले लेते हैं, और यहां पे यार मैंने एक हेल्थ ले लिया, सो यार यहां पे मैं दूसरी हेल्थ भी यहां पे यूज कर लेता हूं, यहां पे यार थोड़ी सी एचपी यार मेरी बची हुई है, तो यहां पे मैंने दूसरी हेल्थ यूज कर ली। अरे अब वक्त है यार, यहां पे देखो इमोट कर रहा है, मतलब कैंप बेशरम इंसान, कैंपिंग करके तुम इमोट करते हो, यहां पे आने यार ग्लू वॉल छोड़ दिया, यहां पे बंदा आ चुका, चलो यहां पे 70 गाड़ में बंद गिरा है, तो कहते हैं यहां पे इस बंदे को यार बहुत गंदा वाला डैमेज पड़ चुका है, चलो इसे खत्म कर दे, और यहां पे मर लग जा, लग जा, लग जा, और क्या, और गाइस यहां पे बहुत ओपी तरीके से 89 के हेड के साथ ये बंदा हो चुका है खत्म, बहुत ओपी यार, यार बहुत अभी तरह यार, यहाँ पे देखो कितना बेशरम आदमी है यार, बंदा क्या पीछे से कैंपिंग करके पीछे से मारता है और इमोट करता है, बेशरम कहीं का। तो गाइस यहाँ पे हम लगातार यार दो बार तीन बार जीत चुके हैं, और ये बंदा गाइस 5 बार जीत चुका, तो गाइस लीड में तो यही बंदा चल रहा है, बस अगर ये 2 बार और जीत गया तो गाइस अपन लोग यार बहुत गंदे तरीके से हारेंगे, लेकिन यार मैं तो ऐसा होने नहीं दूंगा, क्योंकि यार अपन लोग है प्रो। यहाँ पे मैं इस वाले राउंड में भी यार सामने सामने ही रख ले रहा हूँ, इसको कैंपिंग करनी है करे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता यार, यहाँ पे देखो यार अच्छा हुआ यार बंदा इस बार कैंपिंग नहीं कर रहा, चलो गाइस कुछ तो इस बंदे में अच्छा है, ये एक बार कैंपिंग कर रहा है और एक बार रश कर रहा है, चलो गाइस कुछ तो अच्छा, और गाइस जब जब ये कैंपिंग कर रहा है तब तब जीतता है, जब जब रश कर रहा है तब तब हारता है, ठीक है। चलो अब इस बंदे को खत्म करते हैं, और आपे नहीं लगा सो गाइस हेड मारते हैं, और ये गया और मर गया, और कहते हैं बहुत अभी तरीके से यहाँ पे अपन लोग ने MP5 से यहाँ पे बहुत अभी तरीके से एक हेडशॉट के साथ इस बंदे को कर दिया खत्म, और यहाँ पे अपन लोग 4 बार लगातार
लगातार जीत चुके हैं यार। यहाँ पे देखो यार, मेरे को बस अब 3 बार और किसी भी तरीके से जीतना है, उसके बाद यार यहाँ पे अपन लोग ये वाला कस्टम भी जीत जाएंगे। यस गाइस, यार 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 यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे ये बंदा जो है 6 बार जीत चुका है। अब यार अगर मैंने इसको 1 बार और जीतने दिया तो यार ये बंदा यार ये वाला कस्टम जीतेगा, ऐसा तो यार मैं होने नहीं दूंगा यार। कुछ भी करके यार मुझे जीतना है, कैसे भी करके। यहाँ पे हमारा 6, 7, 8, 9, 10, 11 राउंड स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे मैंने यार MP40 की जगह इस बार M1887 ले लिया है, ठीक है। सर यहाँ पे देखो मैं नीचे की साइड से रश करने जा रहा हूँ, ठीक है। सो आई थिंक ये बंदा ऊपर की साइड होगा, तो यार यहाँ पे वैसे पीछे की साइड से या सामने की साइड से मैं मार दूंगा यार। मुझे कैसे भी करके जीतना है किसी भी हालत में। यहाँ पे दिख गया, चलो यार यहाँ पे देखो बंदा मेरे को दिख चुका, तो चलो गाइस इस बंदे को अपन लोग अभी अभी खत्म करते हैं और बस थोड़ा सा एक टाइम चेक कभी ऊपर चाहे और गया। चलो यार यहाँ पे देखो बंदा ऊपर जा चुका, तो चलो गाइस MP5 से खत्म करते हैं। और यहाँ पे बंदा मर जा गया। और अगर यहाँ पे फिर से एक हेडशॉट के साथ ये बंदा गया खत्म। और आपको एक बात बता यार, 5 बार मैंने इस बंदे को मारा और 5 बार अपन लोगों ने से हेडशॉट के साथ ही खत्म किया है यार। बहुत तो बेहतर किसी यहाँ पे एक और हेडशॉट के साथ किया, ये बंदा खत्म हो चुका है यार। यहाँ पे हमारा बार बार राउंड जो है वो भी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे मैं 5 बार जीत चुका हूँ यार। मैं मेरे को एक बार मतलब 2 बार और जीतना है, उसके बाद ये वाला कस्टम अपन लोग जीत जाएंगे, ठीक है। अगर भाई ये वाला अगर ये वाला राउंड जो उस डार्क डॉन ने जीत लिया तो गाइस ये वाला कस्टम अपन लोग हार जाएंगे, और ऐसा गाइस मैं होने तो नहीं ही दूंगा। तो गाइस यहां पे देखो हमारा बार बार राउंड है गाइस वो भी स्टार्ट हो चुका है गाइस। अभी मैंने जंप क्या कहते हैं गन में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की, और यहां पे अपन लोग यार मील वाला ट्रिक आजमाते, क्योंकि यहां पे हमारा प्लेस जो है वो मील आया है, ठीक है। चलो गाइस नहीं मील नहीं, ऑब्जर्वेटरी आया गाइस। सॉरी यार मैं यहां पे जगह का नाम भूल गया था, ऑब्जर्वेटरी का नाम है जगह पे। तो यार यहां पे देखो मैं अपना ट्रिक आजमाने जा रहा हूं, लेकिन यार यहां पे देखो ट्रिक हो नहीं रहा यार, थोड़ा यहां से करता हूं और ये हो गया। तो गाइस यहां पे देखो हमारा ट्रिक हो चुका है, तो अब थोड़ा और ये गया कार है पहुंच गया गाइस। अच्छा भगा यार मैं रुका नहीं, और यहां पे चलो गाइस यहां पे ग्लू वॉल फोड़ देता हूं, क्योंकि यार अगर यहां पे ग्लू वॉल लगा रहा तो यार उसको पता चल जाएगा कि अपन लोग यहीं पर ही हैं, ठीक है। फिर मैं थोड़ा यार देख रहा तो ये बंदा है का, तो गाइस कैंपिंग ही करके जीतना है, फिर अपन लोग भी कैंपिंग करेंगे। सो यहां पे देखो ये बंदा यहां पर नहीं गाइस, यहां पर मेरे को लगा यार यहां पे कार के पीछे छुपा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। सो आई थिंक ये बंदा कहीं पर भी हो सकता है गाइस, यहां पे मेरे पीछे भी हो सकता है, मेरे स्टार्टिंग पॉइंट पे जहां पे मैं अभी पिक करके आया वहां पर भी हो सकता है। सो गाइस यहां पे जैसे कि मैंने बोला यार यहाँ पे मेरे स्टार्टिंग पॉइंट पर ही हो सकता है, जहाँ पे मैं आया हूँ वहीं पर ही है ये बंदा, तो थोड़ा इंतजार करता हूँ कभी सीढ़ियों के पास आए तो तभी मैं इसको फोड़ दूंगा। और आ जा और आगे सुखा दिन यहाँ पे आओ मन करो। सुखा दिन यहाँ पे देखो यार एक हेडशॉट लग चुका है यार, 72 का हेडशॉट लग चुका है। आई थिंक इस बंदे को पता नहीं कि अपन लोग अभी भी ऊपर है, तो चलो खत्म करते हैं। और ये गया इमोट करते हैं गाइस, इमोट चलो यार यहाँ पे देखो इमोट कर रहे हैं। बहुत तरीके से यहाँ पे अपन लोग कैंपिंग करते हुए और यहाँ पे यार 6 बार जीत चुके हैं, और गाइस बस अभी 1 राउंड और बचा है। तो कहते हैं अगर ये वाला राउंड भी अपने को कैसे भी करके जीतना ही है, वरना यार डार्क डॉन हम तो जीत जाएगा, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा गाइस किसी भी हालत में, ठीक है। तो कहते हैं यहाँ पे देखो हमारा 13वां राउंड स्टार्ट होने में थोड़ी सी ही वक्त है, और ये स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे हमारा 13वां राउंड स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे देखो मैं फिर से सीधा रश करने ही जा रहा हूँ, लेकिन यार उससे पहले मैं थोड़ा ऊपर की साइड यार क्या कहते छत पर जा रहा हूँ, ठीक है, तो देखने के लिए कि वो बंदा आखिरकार मेरे को मिलेगा तो मिलेगा कहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं छत पर आ चुका हूँ, तो यार मेरे को पता है कि यार वो बंदा भी कैंपिंग ही करेगा नहीं गा, यहाँ पे कैंपिंग नहीं कर रहा, अच्छा गाइस रश कर रहा है, करने दो, लेकिन मैं कैंपिंग करूँगा। अगर तू भाई इतनी बार कैंपिंग करके जीता तो मैं क्यों नहीं, इसे मैं भी जीतूंगा, ठीक है। चलो गाइस यहाँ पे खत्म कर रहे इस बंदे को, नहीं लगा सुखा दिन, आप डेजर्ट कल से नहीं लगा सुखा दिन। आप देखो कैंपिंग तो ये नहीं हुई जो अभी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इसको पता है कि मैं कहाँ पर हूँ, ठीक है, इसको भी पता है यार यहाँ पे मैं कहाँ पर हूँ, इसे कैंपिंग नहीं कह सकते हैं, ठीक है। सो मैं कैंपिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे छत पे हूँ ऐसे ही थोड़ा ऐसे ही मजे के लिए। सो यार यहाँ पे तो कोई यहाँ पे ये बंदा कहाँ चला गया बे, सो अगर यहाँ पे तो यार पता नहीं ये बंदा आके कर गया तो गया कल, यहाँ पे मैं तो मैं छत पे आ चुका हूँ इसे ढूंढने के लिए। तो यार अगर यार यहाँ पे मैंने इसको ढूंढा नहीं ना गाइस, तो यार यहाँ पे मेरे को कहीं से भी मार सकता है यार, यहाँ पे यहाँ मिल गया। तो अगर यहाँ पे देखो ये बंदा यहीं पर ही है, तो यार इसको नहीं पता कि यार अपन लोग छत पर आए, ठीक है, इसको नहीं पता, लेकिन यार मुझे पता है कि ये बंदा कहाँ है, तो थोड़ा इंतजार करते हैं कि कभी इधर आएगा, तो आ गया। सो गाइस आई थिंक इसको पता है गाइस, सो अगर मेरे को लगा इसको पता नहीं होगा, लेकिन इसको पता है, यहाँ पे इसको मैंने 8 का डैमेज दे चुका हूँ। सो बस थोड़ा सा इंतजार करते कि कभी ये बाहर निकले उसे ठोक दूँ, सो बस बाहर निकल जाए यार, ऐसे भाई ऐसे क्या होगा, मार ले मार ले मार मार आ जा मार, अरे मार
अरे मार ले भाई। अरे नहीं मारा सो गाइस, यहां पे तो यार इतना मौका दिया इस बंदे को, लेकिन इस बंदे ने यार मेरे को मारा नहीं। कोई बात नहीं यार, मैं इसे खत्म कर देता। तो चलो गाइस, इसे यहां पे देखो, ये बंदा घूम रहा है, तो घूमने दो, घूमने दो यार, ये बस मौका आ जाए गाइस। सो गाइस, यहां पे देखो जोन जो है गाइस, वो भी बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है, तो यार अब तो यार आर पार ही हो जाएगा। आर यार पार, अरे यार कितना गंदा वाला डैमेज पड़ चुका है यहाँ पे मेरे को। डायलॉग मारने भी नहीं दे रहा, डायलॉग मारने से पहले इस बंदे ने मेरे को 100 का डैमेज दे दिया। और यहाँ पे देखो यार बंदा खिड़की में गया, तो कहते यहाँ पे देखो बंदा जो है वो खिड़की के अंदर चला चुका है, और यहाँ पे मैंने इसको बंद कर दिया। तो कहते यहाँ पे देखो मैंने इस बंदे को बंद कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा प्रैंक करते हुए आखिरी वाले राउंड में और यहाँ पे जीत गए। और गाइस इसी के साथ हमारा हो चुका है बुआ बहुत अभी तरीके से। सो गाइस इसी के साथ हमारा एक और कस्टम मैच हो चुका है पूरा। यार लास्ट वाले राउंड में अपन लोगों ने यार कमाल ही कर दिया यार, उसको यार खिड़की में ही बंद करके गोदम घुटा घुटा के मार यार, बहुत मजा आया यार इस गेम प्ले में। सो गाइस वीडियो को यहां तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यार प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो अगर हम मिलेंगे आपको अगले चिमकांडी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।